हेलो ट्रेडर्स, वेलकम ट्रेंडलाइनस्टॉक्स। देखिए, बीते एक साल की अगर बात करें, यानी कि बीते 12 महीनों की, मैं बात कर रहा हूं मार्च 2021 तक, तो केवल जनवरी, फरवरी, मार्च ही आपको तीन महीने यानी कि फोर्थ क्वार्टर ही आपको ऐसा दिखाई देगा जिसमें हम लोग थोड़े से कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए थे। यानी कि उससे पहले की बात करें तो स्कूल एंड कॉलेजेस बंद, वो तो खैर अभी भी बंद है, उसके बाद में ऑफिसेस बंद, उसके बाद में ट्रैवल बिल्कुल बैन था, बिल्कुल बंद था, कोई लोग नहीं निकल रहे थे घर से, डर था। केवल जनवरी, फरवरी, मार्च में जब केसेस कम हुए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगों का, बाहर निकलना शुरू हुए, शॉपिंग करनी शुरू करी, तब जाके देखिए यहां पर थोड़ा सा रिलैक्स वाला माहौल आया। हालांकि नॉर्मलसी वाली कंडीशंस नहीं आई थी, लेकिन फिर भी बाइंग कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज होने लगी थी और जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, वो वापस से चलनी शुरू हो गई थी और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट ऐसी कंपनी के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने लेके आया हूं। स्टॉक इनके Q4 के रिजल्ट्स आए हैं आज, यानी कि FY21 के रिजल्ट्स यहां पर इन्होंने पेश करे हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स यहां पर इन्होंने दिखाए हैं। केवल मार्च क्वार्टर की बात करेंगे, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 100% अप्रोक्सीमेटली यहां पर इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स, ऐसा बेसिकली एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई जा रही थी कि केवल तीन महीने में इतनी जबरदस्त रिकवरी ये कंपनी करके दिखाएगी। इनकी देखिए मार्केट के अंदर पॉपुलैरिटी जो है इनके प्रोडक्ट की, वो इतनी ज्यादा है कि इनके 8 के 8 प्लांट्स हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग, उनमें से लगातार वहां पर प्रोडक्शन होता है और बहुत जबरदस्त तरीके से इनकी 50,000 प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया। पहले आप सोचिए 50,000 से ज्यादा टच पॉइंट्स हैं जहां पर जाके आप इनका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। बहुत बड़े नेटवर्क के साथ में ये कंपनी कामकाज कर रही है। ऐसी कंपनी के स्टॉक को आपको लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। ये एक्चुअली वो स्टॉक्स हैं जो आपकी वेल्थ क्रिएट करेंगे, जो आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, सिर्फ आपकी वेल्थ क्रिएट करेंगे। यानी कि अगर आप ठीक टाइम पे एंट्री लेते हो, पेशेंस रखते हो, तो ये स्टॉक मल्टी बैगर भी साबित हो सकते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक के बारे में देखिए बताने जा रहा हूं। इसने आज अपना नया 52 वीक हाई भी लगाया, साथ ही में एक डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट यहां पर किया है। तो सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं, थोड़ी देर के लिए नाम हाइड करके रख रहा हूं आपके सामने से। सबसे पहले रिजल्ट्स की ब्रीफ दिखा देता हूं, फिर आपको आज कैसा बिजनेस हुआ वो दिखा देता हूं, कितने का डिविडेंड दिया वो बता देता हूं, एंड देन फिर हम इनकी वेबसाइट पर चलेंगे, प्रोडक्ट जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रोडक्ट में डील करती है और क्या है कंपनी का नाम। तो देखिए Q4 FY21 एंड फाइनेंशियल ईयर 21 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहां पर इन्होंने दिखाई है, जिसके अंदर रेवेन्यू देखिए 748 करोड़ हो गया है, जो 38% अप है। यहां टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाता हूं, देखिए 748 करोड़ का रेवेन्यू है Q4 FY21 में, जो पिछले क्वार्टर, पिछले साल इसी क्वार्टर में 541 करोड़ का था, यानी कि ईयर ऑन ईयर लगभग 40% की तेजी आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए एबिटा के अंदर, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 163 करोड़ का रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 96 करोड़ का था, और यहां पर 70% तक की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तेजी है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे, वहां पर भी आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 400 बेसिस पॉइंट्स की तेजी यहां पर बनके दिखाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, देखिए 102 करोड़ का है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में मात्र 52 करोड़ का था। तो अप्रोक्सीमेटली 100% का यहां पर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर आपको तेजी आते हुए दिखाई देगी। पैट मार्जिन्स भी देखिए 13.7% हो गए हैं, जो पिछले साल इस क्वार्टर में 9.6% थे, और यहां पर 408 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा आपको देखने को मिला है ऑल ओवर। और अगर आप देखिए ये चीज भी समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से पूरा साल खराब हुआ है, मतलब 12 में से ऑलमोस्ट 9 महीने काफी ज्यादा इंपैक्ट रहा है सेल्स के ऊपर हर कंपनी की, उसके बावजूद भी यहां पर कोई बहुत बड़ा ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर आपको गिरावट नहीं दिखाई देगी। केवल रेवेन्यू की बात करेंगे, पूरे साल FY21 में 2,359 करोड़ की यहां पर बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, जबकि फिस्कल ईयर 20 में 2,410 करोड़ का था। तो केवल 2% डाउन है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, यानी कि फोर्थ क्वार्टर जो था और Q3 भी जो था, देखिए वहां पर रिकवरी बहुत तेजी से आती हुई दिखाई दी है इनके प्रोडक्ट को लेके। उसके बाद देखिए 21% की यहां पर तेजी है एबिटा में, यानी कि एबिटा प्लस हो गया है। इतना खराब साल होने के बावजूद भी यहां पर एबिटा के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और एबिटा मार्जिन भी 403 बेसिस पॉइंट्स के साथ में बढ़ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो पूरे साल का 29% इंक्रीज कर गया ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। तो ऑल ओवर अगर आप देखें तो इस कंपनी की आप समझिए जो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर, वो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है।
पैट मार्जिन की बात करेंगे वो भी 297 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये ऑल ओवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इस कंपनी की। इसके बाद देखिए अगले नोटिफिकेशन पे आते हैं जहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि कितने रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है इस कंपनी ने। तो आज जो रिजल्ट हुई है उसके अंदर आप देखिए यहां पर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन टुडे दैट इज May 20, 2021 रिकमेंडेड ए फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹2.50 पर इक्विटी शेयर दैट इज 250% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ₹2.50 पर इक्विटी शेयर का यहां पर डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है जो बेसिकली 250% हो जाता है फेस वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे। चलिए अब मैं कुछ थोड़े से ब्रीफ इसके फंडामेंटल्स आपको दिखाता हूं, आपको समझने की जरूरत है कि ये कंपनी जो है किस सेगमेंट में आती है और किस तरीके के इनके आरओई और आरओसी है। 25,563 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है ₹1,030 का, और अगर आप देखिए ₹1,085 का इसका 52 वीक हाई है जो इसने आज ही लगाया है। इसके बाद आप देखिए स्टॉक का पी 87.7 पर है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पर। इसकी बुक वैल्यू मात्र ₹51 के आसपास है। उसके बाद आरओसी की बात करेंगे तो 28.4% तक की आरओसी है यहां पर, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही जबरदस्त। इसके बाद आरओई की बात करेंगे लगभग 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी है, ये भी बहुत ही शानदार आरओई यहां पर दर्ज किया है कंपनी ने। इसके बाद आप देखिए सेल्स करती है कंपनी लगभग 2400 करोड़ की, तो उसके ऊपर 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमा लेती है। डेट नेग्लिजिबल है 167 करोड़ का। प्रोमोटर्स की स्ट्रांग होल्डिंग है 71% की। प्लैच परसेंटेज बिल्कुल जीरो है। इसके बाद आप अगर देखेंगे पिछले 5 सालों की सेल्स ग्रोथ तो 7.18% आती है। इसके अलावा अगर आप देखें रिटर्न ऑन एसेट्स 20.1% का है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 29% की है। तो ये जो बेसिकली देखिए आपके सामने डेटा है ये काफी ज्यादा कुछ बोल रहा है अपने आप में ही कि इस कंपनी की प्रोफाइल बहुत शानदार है और इस कंपनी को आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए आज के कैसे यहां पर रहे हैं डेटा एनएससी के ऊपर। तो देखिए ₹1,015 का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखा रहा है, 0.30% की तेजी यहां पर दिखा रहा है क्योंकि अपने डे हाई से ये आज काफी नीचे आ गए। मार्केट का प्रेशर था, मार्केट की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला, अदरवाइज देखिए ये स्टॉक काफी ऊपर की क्लोजिंग देता। ₹1,085 का आज का इसका 52 वीक हाई है, और अगर 52 वीक लो की बात करेंगे तो देखिए ₹578 का है 13 जुलाई 2020 का। डिलीवरी बाय सिक्योरिटी पोजिशन आप देखेंगे तो थोड़ी सी आपको हैरानी होगी क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज जो है वो मात्र 8% है, इसलिए शायद आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ऊपर के लेवल से इतनी जबरदस्त बिकवाली आई है कि कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस केवल 8% है यहां पर, इसलिए आपको भी थोड़ा सा अच्छे लेवल्स देख के एंट्री लेनी है। इसलिए एंट्री नहीं लेनी है कि यहां पर इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो आप अंधाधुंध पोजीशंस बना लें क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है। उसके बाद देखिए अब मैं फाइनली आपको लेके चल रहा हूं कंपनी की वेबसाइट पर, यहां पर जानने की कोशिश करेंगे क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, और फिर हम लोग चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो देखिए फाइनली आपके सामने है इस कंपनी का नाम, रिलैक्सो फुटवेयर की मैं बात कर रहा हूं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं सलमान खान और अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जैसे बड़े चेहरे इस कंपनी की ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, और आप डेली यूज में डेफिनेटली इनकी प्रोडक्ट्स को यूज करते होंगे, फुटवेयर्स को यूज करते होंगे। तो इस कंपनी ने Q4 के अंदर बहुत ही शानदार रिजल्ट्स पेश करे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें लास्ट ईयर में जो भी इनका बेसिकली लॉसेस हुए थे वो भी सारे यहां पर काफी हद तक रिकवर होते हुए दिखाई दिए, तो आपको इनकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी पता चलेगी मार्केट में, कितने जबरदस्त प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है, पॉपुलैरिटी है, और इनके जो इनोवेशन है डिजाइन्स के अंदर वो बहुत तेजी से ये मार्केट के अंदर लेके आते हैं, जिसकी वजह से देखिए जो कॉन्टिन्यूटी है डिजाइन्स की वो कस्टमर्स तक पहुंचती है, और इसीलिए एक ब्रांड जो है अपने आप में बार बार इवॉल्व होता रहता है, एक नई चीज वहां से मिलती रहती है कस्टमर्स को। तो इतनी शानदार ये कंपनी है अगर आप देखेंगे कंप्लीटली तो काफी लंबे समय से इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। मिड कैप सेक्टर की कंपनी है, स्टॉक मार्केट पे धमाल मचा के रखा है अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। चलिए अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं इनके डेली चार्ट, और डेली चार्ट पर आप देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां पर बहुत बड़ी तेजी बनी, एक्सपेक्टेशंस थी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की, जिसकी वजह से ₹900 के लेवल से ये स्टॉक हाई लगाता है कल ₹1,034 का,
और आज देखिए ओपन होता है लास्ट क्लोजिंग के ऊपर, यानी कि 1040 रुपए के ऊपर ओपनिंग होती है, लेकिन क्लोजिंग जो होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है 1015 के आसपास। हाल फिलहाल की कंडीशन देखें तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हैं और मैंने जैसे आपको दिखाया है कि कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस बहुत कम है और इतनी बड़ी एक्साइटिंग पोजीशंस पे अभी थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। इसके लिए अच्छे लेवल्स जो होंगे वो होंगे एक्चुअली में इसके जो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ब्लैक लाइन, उसके कहीं आसपास, क्योंकि वो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट है। तो जब भी ये स्टॉक आपको इस ब्लैक लाइन के आसपास मिले तब आप इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वेट करें, आप देखिए पिछले एक साल से ये स्टॉक कितनी जबरदस्त तरीके से मूव करता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल देखिए अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनकी अगर मार्केट पोजिशन देखेंगे तो उसमें भी ये लीडर है। हर तरीके से यहां पर कोई भी नेगेटिव पॉइंट निकल के नहीं आएगा इस कंपनी को लेके, लेकिन सिर्फ जो जरूरत होती है एक इन्वेस्टर की वो ये होती है कि वो अच्छे लेवल्स के ऊपर एंट्री ले सो दैट कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट मैक्सिमाइज होते हुए दिखाई दे। इसलिए मैं समझता हूं कि देखिए आज की तारीख के हिसाब से जो बेस्ट इसके लेवल्स हैं वो 900 रुपए के आसपास से लेके 900 से 925 के आसपास हैं, कि अगर इन लेवल के बीच में कभी मिले तो इसमें एंट्री जरूर बनानी चाहिए। और डेफिनेटली ये स्टॉक ऐसे मौके जरूर देगा आने वाले टाइम में, तो बिल्कुल शार्प वॉच रखिए, वॉच लिस्ट में इसको लगा के रखिए, जब भी मौका मिले आप इसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा फिर आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।